देख लिए, ठीक है। फिर हमने चार शीट लिया। आप जो हमारा जो एप्लीकेशन है वो है सेल। आज हम दो थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, आज हम दो काम करेंगे। एक तो सेल का डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं आज बहुत सारे गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे, जिसमें हम फ्लक्स और गॉस लॉ के एप्लीकेशन दोनों चीजें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेल स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन नंबर 3 गॉस का, गॉस लॉ का। अब इसमें एक चीज याद रखना, सेल डायरेक्ट जैसे आप अगर बुक कंसीडर करोगे तो उसमें डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन सेल में कंबाइन फील्ड भी पूछा जाता है, पोटेंशियल भी पूछा जाता है। तो इसका हम फील्ड वाली चीजें ही पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल वाली, जब हम अगले चैप्टर जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा उसमें हम सबसे पहले सेल का ही पोटेंशियल वाले इस क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। सेल पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी होंगी। सबसे पहले तो स्फीयर की अगर हम बात करें, ठीक है, स्फीयर कितने टाइप के हो सकते हैं, स्फीयर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो याद रखिएगा जो स्फीयर होते हैं ये सबसे पहले तो ये सॉलिड हो सकता है, सॉलिड स्फीयर। अभी मैं बताता हूं सेल किसे कहते हैं। स्फीयर का ही एक पार्ट है, एक्चुअली स्फीयर को ही शेल कहते हैं, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन। तो स्फीयर हमारे पास एक तो सॉलिड स्फीयर हो सकता है, ठीक है, एक हमारे पास हॉलो स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर, ठीक। सॉलिड स्फीयर आप सबको पता होगा कि सॉलिड यानी कि पूरा मटेरियल इसमें भरा हुआ है, इसका एक ही रेडियस होता है, ये हो गया हमारा सॉलिड स्फीयर, ठीक। अगर मैं हॉलो स्फीयर की बात करूं तो हॉलो स्फीयर में हमारे पास दो रेडियस हो सकता है, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, और मटेरियल यहां पर ये मटेरियल होगा और बीच में खाली स्पेस होगा। हॉलो में भी आपको याद रखना है दो टाइप का हॉलो स्फीयर कहलाते हैं, एक थिन हॉलो स्फीयर, थिन। तो जो आप डेरिवेशन करोगे बेसिकली जो बुक में डेरिवेशन या सिलेबस में है वो थिन का है, बट हम दोनों करेंगे, ठीक है, थिन, और एक होता है थिक। थिन और थिक में फर्क क्या होता है कि थिन में ये जो लेयर है ये आप दिख रहा होगा, ये R2-R1 ये टेंस टू जीरो ले लिया जाता है, इसका मतलब बहुत पतला ये बाउंड्री ली जाती है और अंदर से वो खाली होती है, यानी इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, थिन अगर मैं कहता हूं तो सिंपल एक ही रेडियस मान सकते हैं, थिन हॉलो स्फीयर, ठीक है। थिक में ऑब्वियसली R1 और R2 का अपना एक वैल्यू होगा, ये जो R2-R1 है ये जीरो के बराबर, मतलब अप्रोक्स टू जीरो नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। तो दोबारा देखिए, स्फीयर में आपके पास सॉलिड और हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर में अगेन आपके पास दो हैं, थिन और थिक, ठीक। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इस, बस इतने से नहीं हम डायरेक्ट डेरिवेशन पे जा सकते हैं, अब हमें कौन सा मटेरियल से स्फीयर बना है इसके बारे में भी बात करना है। बट ये जो आप हॉलो स्फीयर देख रहे हो जिसे हम थिन हॉलो स्फीयर कहते हैं, इसी को हम शेल नाम दे रहे हैं, इसी का डेरिवेशन है शेल का। तो जब भी मैं शेल नाम दू तो आपको क्या रखना है, थिन हॉलो स्फीयर, यानी कि इसका जो रेडियस है वो, ये देखिए ये जो रेडियस है इसका, इनर रेडियस और आउटर रेडियस ये अप्रोक्स सेम है, इनके बीच का जो गैप है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो शेल थिन हॉलो स्फीयर को शेल कहते हैं। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि इसमें मटेरियल्स का क्या रोल है, उसके बाद ही आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे, एक तो होता है सिंपल डेरिवेशन कर दिया, लेकिन याद रखिएगा ये सारी चीजें जब तक आप नहीं जानोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक। अब देखिए, चलिए ये तो बात हो गया हमारे पास स्फीयर के टाइप की, ठीक। अब आते हैं किस मटेरियल से बनाया जा सकता है, तो मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि जो हम स्फीयर लेंगे वो किस मटेरियल का बनाया जा सकता है, भाई अलग अलग मटेरियल है, तो बेसिकली मटेरियल 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, आप सबको पता होगा। एक होता है कंडक्टर, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, और ऐसे मटेरियल को कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है नॉन कंडक्टिंग, इसे आपको मालूम होगा इंसुलेटर भी बोलते हैं, इसे हम कंडक्टर भी बोलते हैं, और एक होता है सेमी कंडक्टर,
तो हमें सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आपके पास दो चीजें पूछी जा सकती है, अगर आप एचसीवी से कर रहे हो डेरिवेशन तो दोनों चीजों का आपको करना है, ठीक है, हम दोनों चीजें कर लेके चलेंगे। अब कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में फर्क क्या है, ठीक है, देखो आप तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हम कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर चला जाता, नहीं, वो फ्री होता है। फ्री का मतलब वो पूरे सिस्टम में मूव कर सकता है। और वही जो नॉन कंडक्टिंग है, इसमें जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री नहीं होते, ये फिक्स होते हैं अपनी जगह पे। यानी कि अगर मैंने यहां रख दिया, ये अगर मेरा नॉन कंडक्टिंग, मैंने यहां चार्ज रख दिया तो यही रहेगा, यहां रख दिया यही रहेगा, यहां रख दिया यही रहेगा, ठीक है। और कंडक्टिंग में क्या होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है चार्जेस फ्री होते हैं, तो उनकी एक खासियत होती है और वो प्रॉपर्टीज में पढ़ना होता है। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल क्या है हमारे पास, कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग का ठीक यही इसका उल्टा, ठीक है। तो कंडक्टिंग का सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखिए एक चीज आपको माइंड में रख लेनी है, ठीक है, जब भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल, जब भी कोई कंडक्टिंग, मान लो मैंने शेल ले लिया या स्फीयर ही ले लिया, मान लिया एक मैंने स्फीयर लिया जो कि क्या था, कंडक्टर से बना हुआ है, यानी कि इसे हम बोले कंडक्टिंग शेल या कंडक्टिंग स्फीयर। ये हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक। तो मान लीजिए मेरे पास ये सॉलिड स्फीयर और कैसा है ये कंडक्टिंग। अब जब मैं इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, लेट सपोज मैंने एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसे प्लेस कर दिया, ठीक है, तो मैं ये लाइन नहीं बना रहा हूं, आप इसको ऐसे देखिए, ये मेरा स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग, और ये मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट हो गया और ये मेरे पास एक नेगेटिव प्लेट हो गया। आपको मालूम ही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसलिए सीधा नहीं बनाया क्योंकि इसमें भी एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे अभी इसी के बाद। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, इसके बीच में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको दिखा है इस डायरेक्शन में। अब अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर की एक खासियत होती है, इसमें जो चार्जेस है सबसे पहले तो सरफेस पे जाते हैं। कहां जाते हैं, सरफेस पे जाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। अगर आप कोई भी चार्ज दिए हो, अगर आपने किसी कंडक्टिंग मटेरियल को, तो वो चार्ज अंदर नहीं रहेगा, कहां रहेगा, सरफेस पे रहेगा। हॉलो के लिए भी यही है, सॉलिड के लिए भी यही है, इसीलिए हॉलो और सॉलिड का डेरिवेशन एक जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इसमें चार्ज दिया तो वो चार्ज सबसे पहले तो कहां रहता है, बाहर की तरफ रहता है, सरफेस पे रहता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग मटेरियल है, कैसा है, न्यूट्रल कंडक्टिंग मटेरियल, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसे फील्ड में रखोगे, प्लस की तरफ माइनस वाले आ जाएंगे और माइनस की तरफ प्लस वाले आ जाएंगे, और इसको कहते हैं पोलराइजेशन, जो कि मैं मेथड ऑफ चार्जिंग में बताया था। इस पोलराइजेशन होने की वजह से देखो अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड पैदा हुई, इसको हम इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं, जो कि ठीक अपोजिट है एक्सटर्नल फील्ड की, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखना है, ये चार्ज ये तब तक पोलराइजेशन होगा जब तक विद इन द रीजन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट है वो जीरो ना हो जाए, यानी कि ये तब तक चार्जेस ओरिएंट करेंगे जब तक नेट फील्ड स्फीयर के अंदर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब यहां से दो पॉइंट निकल के आता है, चार्जेस हमेशा सरफेस के ही, कंडक्टर के सरफेस पे ही रेसाइड करेंगे, पहली चीज। दूसरा, जब आप उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो जो चार्जेस हैं वो खुद को ऐसा ओरिएंट करेंगे कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी 100% क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये गॉस लॉ का शेल टाइप समझ में आएगा।
ठीक है। अगर यही नॉन कंडक्टिंग होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन कंडक्टिंग में अगर मेरे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अब हमारे ऊपर है कि हम चार्ज को कैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैंने पूरे स्फीयर के अंदर बाहर हर मटेरियल, पूरे मटेरियल में चार्ज दे दिया तो जहां जहां आपने दिया वहां वहां रहेगा, अंदर भी रहेगा और सरफेस पे भी रहेगा। बट कंडक्टिंग में आप कहीं भी अगर यहां भी दे दोगे, सॉलिड अगर है यहां भी दे दिए तो भी वो कहां जाएगा, सरफेस पे ही जाएगा। ये चीज आपको 100% रिमेंबर रखना है। तो ये प्रॉपर्टी आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन पे और आगे चल के हम बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे कि अगर मैं मान लीजिए बहुत सारे कंसेंट्रिक शेल है उसमें मैंने एक को चार्ज दे दिया दूसरे को क्या होगा, ग्राउंडिंग केस आता है इसके अंदर, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होते हैं, फील्ड और पोटेंशियल निकालना होता है। तो ये बहुत ज्यादा मेंस और नीट में सबसे ज्यादा इस पे सवाल पूछे जाते हैं, एकेडमिक्स में भी आजकल इसमें सवाल उठाए जा रहे हैं। बट हम सबसे पहले अपना डेरिवेशन पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब यहां से मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बता दूं तो टोटल अगर मैं बात करूं स्फीयर की, ठीक है, तो हमारे पास कितने स्फीयर बन जाएंगे, ठीक। तो सुनिए ध्यान से, कितने स्फीयर बन जाएंगे, तो पहला बन जाएगा हॉलो कंडक्टिंग, ठीक है। शेल भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया स्फीयर अगर हॉलो है तो शेल है, सॉलिड है तो पूरा सॉलिड है, ठीक। हॉलो कंडक्टिंग, सेकेंड आपके पास होगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। याद रखना हॉलो कंडक्टिंग को हम क्या कहेंगे, शेल भी कहेंगे, और सॉलिड कंडक्टिंग को हम सॉलिड स्फीयर कहेंगे, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास, तीसरा हो सकता है हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसे हम शेल कहेंगे, नॉन कंडक्टिंग। चौथा क्या हो सकता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। याद रखना हॉलो वाले ही पोर्शन को हम शेल कहते हैं। तो हॉलो में हमारे पास कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, तो ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग। तो ये आपको चार टाइप माइंड में हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि कितने टाइप होते हैं। इसमें भी याद होगा हॉलो में भी दो थे, थिन थिक, लेकिन सिलेबस में आप सिर्फ थिन करने वाले हो तो हम सिर्फ थिन देखेंगे, बाकी मिसलेनियस में मैं आपको थिक के भी केसेस पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन पार्ट, ठीक है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। थोड़ी मैंने बोला बड़ी वीडियो आज बनेगी क्योंकि इसमें हम एक तो ये सारे टॉपिक प्लस आज एचसीवी के चैप्टर 30 गॉस लॉ के 1-2 करीब उसमें हम 10-12 क्वेश्चंस आज वाले वीडियो में करेंगे, फिर कल दूसरे वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप सबके पास एचसीवी होगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन भी साथ के साथ बोलते जाऊंगा तो आप उसे देखते जाना। बाकी मैं पीडीएफ क्वेश्चन का फोटो मैं शेयर कर दूंगा, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम कर लेते हैं डेरिवेशन। तो देखिए हम करने जा रहे हैं हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, और ऑब्वियसली हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब शेल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए पहले मैं काम करता हूं, एक चीज आपको मैं पहले से ही बता देता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा चीजें, क्योंकि आप डेरिवेशन क्या है अगर करना है तो अलग अलग करना है लेकिन कॉन्सेप्ट एक जैसा है। पहला तो देखो, अगर हॉलो कंडक्टिंग है कहीं भी चार्ज दूंगा तो ऑब्वियसली कहां रहेगा, सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है, अंदर रहना नहीं है हॉलो कंडक्टिंग का, ठीक। दूसरा, अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग भी हो तो भी अगर मैं अंदर चार्ज दूं तो भी वो कहां रहेगा, बाहर भी बाहर ही रहेगा, क्योंकि मैं इसे शेल माना हूं और शेल में ऑलरेडी रेडियस सिंस बहुत कम है, टेंस टू जीरो है, तो जो इसका है वही इसका भी आउटपुट होगा अप्रोक्स। और अगर मैं नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर में, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर में
थिन केस लेता हूं तो उसका भी अप्रोक्स सेम ही होगा, क्योंकि मटेरियल कहाँ है, मटेरियल यहां पर है और ये देखा जाए तो ये सरफेस को ही कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो तीनों का डेरिवेशन अप्रोक्स एक जैसा होगा, सिर्फ किसका अलग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैं न्यूमेरिकल वाइज बता रहा हूं किसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, वो होगा हॉलो नॉन कंडक्टिंग का, ठीक है। चलिए तो हमारा पहला टॉपिक है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, पूरा लिख देता हूं मैं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। हम जा रहे हैं इसका क्या निकालने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, ठीक है। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर, आउटर रीजन ये है और इनर रीजन हमारे पास क्या है, ये, ठीक, R1 और ये क्या है R2। थिन केस आपके सिलेबस में थिन है तो थिन का मतलब है कि R1 और R2 में अप्रोक्स क्या ले सकता हूं, R2 माइनस R1 टेंड्स टू जीरो ले सकता हूं, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं इसमें तीन रीजन ले रहा हूं, देखिए रीजन नंबर वन, ठीक है, रीजन नंबर टू और रीजन नंबर थ्री। एक इनसाइड शेल की बात कर रहे हैं, दूसरा ऑन द सरफेस की बात करेंगे और तीसरा आउटसाइड द शेल की बात करेंगे। यानी अगर मैं ये डिस्टेंस आर के टर्म्स में देखूं तो केस वन बनेगा, ठीक है। तो आप यहां एक काम कर सकते हो, बहुत सिंपल सा, सिंस आर टू माइनस आर वन टेंड्स टू जीरो है, ठीक है, तो मैं R1 और R2 को अप्रोक्स क्या ले सकता हूं, R लेके चल सकता हूं। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। यानी जो इसका डेरिवेशन है वो कंडक्टिंग स्फीयर का भी डेरिवेशन हो सकता है सेम, ठीक। तो एक काम करते हैं, रुको, मैं क्योंकि इन दोनों का डेरिवेशन एक जैसा है तो हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं, ठीक, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि सॉलिड से एक बार समझ में आ जाएगा तो हॉलो तो अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए सॉलिड कंडक्टिंग में, क्योंकि वहां थोड़ा सा इजी है, देखो आप पहला ही डेरिवेशन कर रहे हो और उसमें अलग अलग रेडियस से बेटर है, एक रेडियस से पहली पहला जो डेरिवेशन है वो आपको इजीली आ जाएगा, फिर अपने आप उसमें आप केसेस बता सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए आपके पास एक मैंने स्फीयर ले लिया, कैसा ले लिया, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, कैसा है, चार्ज है और क्या है, सॉलिड है, याद रखना कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। चलिए या हम इसे थिन कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं थिन कंडक्टिंग स्फीयर यू बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो, जो ये लेयर है देख रही है, ये बाउंड्री बहुत पतला है, एक ही रेडियस हम मान सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड का भी और थिन कंडक्टिंग दोनों का डेरिवेशन एक जैसा है। अब सॉलिड हो, मैंने चार्ज दिया सिग्मा, तो भी कहां जाएगा बच्चों, वो बाहर ही जाएगा, और मान लिया पॉजिटिव सिग्मा दे दिया, इस पे जो चार्ज है वो क्या दे दिया, पॉजिटिव सिग्मा। सर क्या यहां पर सिग्मा क्यू बाई वॉल्यूम होगा, नहीं, याद रखना चार्ज कहां जाएगा, सरफेस पे, तो सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई एस होगा, ठीक है। चलिए तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर वन और एक पॉइंट ले लेता हूं टू, ठीक, और एक पॉइंट में चलो सरफेस पे ले, सरफेस पे भी ले लेते हैं टू और थ्री, किसके टर्म में, आर के टर्म में। तो हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड केस वन, जब R, जो हमने R लिया, ये देखिए जो भी केस लेंगे वन के लिए, जो डिस्टेंस सेंटर से मैंने क्या लिया है, R लिया, जब R R से छोटा हो, इसका मतलब कौन सा केस है बच्चों, इनसाइड, इनसाइड दिस स्फीयर की बात है, ठीक है। तो देखिए इनसाइड स्फीयर में हम क्या लगाने जा रहे हैं, फील्ड निकालने जा रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किससे करने जा रहे हैं, गॉस से, तो गॉस के लिए सबसे पहले मैं गॉसियन सरफेस बना लिया, कितने रेडियस का, आर रेडियस का, इसी फिगर का, ये देखिए
ये आपका ओरिजिनल फिगर है, ये आपका 0.1 है, ताकि आपको ये थोड़ा छोटा हो गया तो यहां ज्यादा क्लियर हो। तो मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया, आप कितने रेडियस का, आर रेडियस का, ठीक। अब इस गॉसियन सरफेस में, दिस इज गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, इस गॉसियन सरफेस में अगर मैं फील्ड निकालता हूं तो कैसे निकलेगा, ई डॉट डीएस मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हो रहा है। अब अगर मैं इसमें छोटा डीएस ले लूं, ठीक है, अब क्या अंदर चार्ज है, क्या Q इनक्लोज है, आपको भी मैंने बताया कंडक्टिंग है तो चार्ज होगा कहां, सरफेस पे होगा, अंदर चार्ज है क्या, नहीं है, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको E इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं, दैट इज देयर विल बी, एज देयर इज नो चार्ज इनक्लोज इन दिस रीजन, देयर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, याद रखना हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो, दोनों केस एक साथ ही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए के अब हम एक केस ले लेते हैं बाहर, तो मैं यहां पे नोट कर लूं साइड में ताकि ग्राफ बनाना होगा। केस वन, आर जब आर से छोटा था तो फील्ड हमारा जीरो आ गया, ठीक है। चलिए अब आएगा इसमें अगला पॉइंट, केस टू। केस टू में आर जब आर के बराबर है, यानी ऑन दी सरफेस की बात कर रहे हो, आप कहां बात कर रहे हो, ऑन दी सरफेस पे, ठीक है। अब ऑन दी सरफेस के लिए टू और थ्री अप्रोक्स हम सेम बना सकते हैं, यानी कि या तो दो ले ले या बाहर ले ले, क्योंकि गॉस आप बनाओगे, मान लीजिए मेरा देखो आर है, यही तो है हमारा फिगर आर, गॉस बनाऊंगा मैं गॉसियन सरफेस तो ऑब्वियसली वो आर से बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर टू आर का जो केस है वो इसी में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो आर इज ग्रेटर देन आर का जो वैल्यू होगा उसमें आर की जगह अगर मैं कैपिटल आर लिख दूंगा फॉर्मूला में तो वो सरफेस का आ जाएगा, क्लियर है। तो हम देखो छोटा कर रहे हैं इसको, तो अब हम निकालने जा रहे हैं किस पे, सरफेस को लेके, ठीक। तो मान लीजिए आउटसाइड ले रहे हैं आर ग्रेटर देन आर, यानी कि मैं यहां पे ले रहा हूं, देख रहे होंगे सेकेंड रीजन, इसको इसी में केस आ जाएगा, वो आर इक्वल टू आर कर देंगे लास्ट में, तो हम अलग से क्यों बनाए उसको, ठीक है। अब अगेन ये सारा क्यू इनक्लोज है, टोटल इसके अंदर क्यू कितना था, सिग्मा था। अब मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया, इसके बाहर बना लिया, देख रहे हैं। अब अगेन मैं यहां ई डॉट डीएस करूंगा तो किसके बराबर होना चाहिए, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। मैं इस गॉसियन, ये जो आपने बाहर ऐसा कुछ है, ये हमारा बॉल था, स्पेयर था आर का, और हमने गॉसियन में छोटे बॉल के बाहर बाहर बड़ा बॉल के अंदर उसको डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें छोटा एरिया वेक्टर लूं तो उसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड दिख रहा होगा, अगर मैं इस पे छोटा डीएस ले लूं रेडियली आउटवर्ड, और फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, रेडियली आउटवर्ड, याद रखना डायरेक्शन जरूरी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का एंगल जीरो। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि ई वेक्टर डॉट डीएस को मैं लिख सकता हूं ई वेक्टर डीएस वेक्टर का बाप मॉड इनटू में कॉस जीरो का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, ई डॉट, क्योंकि मॉड ऑफ ई वेक्टर इज ई, डीएस को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो फोर पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस जो सरफेस हमने लिया स्फेरिकल लिया और इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक। तो यहां से हमारे पास आ गया ई डॉट डीएस की वैल्यू ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड ए क्या मिला आपको, ई डॉट फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, मिल गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर टू क्लियर है। अब थोड़ा क्यू इनक्लोज निकाले, थोड़ा सा क्यू इनक्लोज, याद है सिग्मा दिया था क्यू बाय एस है, ठीक। तो यहां से मैं क्यू अगर निकालू तो क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, दिख रहा होगा, और कितने पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ये आर रेडियस पे, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कोई दिक्कत,
ठीक है। तो ये एक केस है, अगर न्यूमेरिकल में जाओगे तो आपको ऐसे तोड़ना है, डेरिवेशन में तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलिए तो यहां से मैं E निकाल दूंगा क्यू बाई फोर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट लिख रहा होगा, ठीक है। और यहां से मैं अगर मुझे टोटल क्यूब पता होता, सिग्मा के टर्म में पता है तो ऐसे कर लेंगे, और किसी को मुझे दिया होता नहीं भाई इस पे जो चार्ज था वो क्यू था, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। E इक्वल टू क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो गया। अगर आप नोटिस करो तो क्या ये पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला नहीं, नोटिस करो जरा, अगर मैं इसको ध्यान से देखू तो अगर मैं यहां पर इस पूरे स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लेता तो आर डिस्टेंस पर फील्ड अगर किसी कोई मुझे पूछता तो यही तो हो जाता, देखो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, अरे फोर्स बाय पॉइंट चार्ज हो जाता ना, क्या वैसा ही आया है। इसका मतलब आप तो स्फीयर से अगर आप दूर जाओगे तो ये स्फीयर कैसा काम करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह, क्लियर है। तो चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, जब हमने अंदर लिया कोई पॉइंट तो हमारा फील्ड जीरो आ गया, बाहर लिया कोई पॉइंट तो हमारा ये आ गया। हाँ यहीं पर वो वाला केस भी बना सकते हो, केस थ्री जो मैं बोला था ना, अगर आर बराबर आर हो, आर बराबर आर हो तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल फील्ड विल बी क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप देख रहे हो ये आर इस आर से थोड़ा सा छोटा है, तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये देखिए जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं एक बार मिटा देता हूं ताकि स्पेस आ जाए ग्राफ का, तो आई होप आपको पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। तो मैं ग्राफ यहां बना देता हूं, तो ये वैल्यू याद होगी केस वन, केस टू जब आर इक्वल टू आर है तो फील्ड आया क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, केस थ्री जब आर इज ग्रेटर देन आर था तो ई आया क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो एक तो बाउंड्री ई दूंगा, एक आर दूंगा, एक आर इज इक्वल टू आर तक आपको याद होगा R इज इक्वल टू आर तक फील्ड क्या है, जीरो है, क्योंकि इनसाइड है, दिख रहा होगा इस रीजन में R लेस देन आ रहा है और इस रीजन में R ग्रेटर देन आ रहा है, कैसा डिक्रीज हो रहा है R स्क्वायर की तरफ, तो हाइपरबोलिक। तो ये आपका इसका सॉलिड कंडक्टिंग का और हॉलो कंडक्टिंग का दोनों का ये ग्राफ सेम आएगा और डेरिवेशन भी सेम होगा। तो इस तरीके से हमने दो टॉपिक कवर कर लिया इसमें, एक तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। तो कोई डाउट हो आप जरूर नीचे कमेंट करो, मुझे मैसेज करो, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो कहीं पे भी तो दोबारा से याद रखना, आपको कंडक्टिंग की अगर आप केस लेते हो, चार्ज अगर सॉलिड भी होगा, सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ है, तो भी मटेरियल के अंदर चार्ज नहीं होगा, सरफेस पे चार्ज होगा, देख रहे होगे। तो उसकी वजह से अगर मैं ऐसा भी लूं या ऐसा लूं, सॉलिड लूं या हॉलो लूं, दोनों डेरिवेशन आपका सेम आएगा और दोनों कंडक्टिंग सरफेस चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। तो आप आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, थोड़ा डिले हो गया था, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं।
तो इस तरीके से क्विक रिवीजन कर लें ताकि अब हम न्यूमेरिकल लगाने जाएं और न्यूमेरिकल आपसे तभी लगेंगे जब आपको फॉर्मूले सारे पता होंगे। ठीक है, चलिए तो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले टोटल वीडियोस में 1, 2, 3 की बात हम कर रहे हैं। फ्लक्स क्या होगा, फाइ इज इक्वल टू ई डॉट ए या मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री सॉरी कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम क्यू बाई एप्साइलन नॉट भी कहते हैं, पहली चीज। दूसरा हमने देखा फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट थिन वायर, तो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन स्ट्रेट वायर आया था लेमडा बाई 2 पाई एप्साइलन नॉट। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा था चार्ज शीट, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं तो इसको लिख लीजिए इनफाइनाइट चार्ज थिन रॉड। चार्ज शीट में हमने देखा था सिंगल, जब चार्ज शीट होगा सिंगल तो जो ई आएगा वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्साइलन नॉट। क्लियर है। फिर उसमें केसेस देखे थे, केस वन याद होगा आपको, अगर सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू है और दोनों सेम है यानी दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो आउटसाइड हो जाएगा फील्ड और दोनों सिग्मा के बराबर है तो आउटसाइड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट और इनसाइड हो जाएगा फील्ड जीरो। और यही अगर मैं केस टू की बात करूं, मान लीजिए प्लस सिग्मा वन है और एक माइनस सिग्मा टू है और वैल्यू दोनों की सिग्मा वन सिग्मा टू बराबर है यानी चार्ज डेंसिटी बराबर है तो आउटसाइड जीरो हो जाएगा और इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट हो जाएगा। ठीक, चौथा अभी हमने देखा, फोर्थ अभी हमने किया शेल का, तो शेल में हमने क्या देखा कि जो फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, पूरा आपको केस लिखना है इसमें। तो शेल कंडक्टिंग शेल और हॉलो कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और हॉलो कंडक्टिंग शेल, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। इनसाइड जाओगे तो जीरो, आउटसाइड आओगे तो क्यू बाई अभी हमने जिसे निकाला था याद होगा ई इंटू में 4 पाई, तो क्यू बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट r² ठीक है आउटसाइड, और इनसाइड में कैपिटल r². तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 30 हम जा रहे हैं सॉल्व करने, चैप्टर नंबर 30। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल लीजिए, ये नोट कर लीजिए, फॉर्मूला हर जगह जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप क्या करिए, आप इसको आप मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, आप बुक से देख के अपना सॉल्व करते चलिए, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं नीचे पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, एक और चीज, अभी हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक वाले सवाल नहीं लगाएंगे, अगले टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन लगाएंगे पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा का पार्ट 2 है और चैप्टर नंबर है हमारे पास 30। ठीक, चैप्टर 30 और इस चैप्टर का नाम है गॉस लॉ। तो हम आज ट्राई करेंगे 2 पार्ट में वीडियो बनाने का, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक पार्ट में हम 1-2 टोटल हमारे पास 24 है, तो 1-10-12 आज कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में बाकी करेंगे। चलिए,
तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, सबने खोल लिया। अगर नहीं आपके पास, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नीचे पीडीएफ इसका भेज दूंगा, फोटो भेज दूंगा, आप उसको खोलिए और फिर उसको किसी एक स्क्रीन पर या कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड एक किसी रीजन में दिया हुआ है 3/5 ई नॉट आई कैप आई वेक्टर प्लस 4/5 ई नॉट जे वेक्टर। ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 2×10³ न्यूटन पर कूलम। आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ध्यान से सुनिए, फ्लक्स निकालना है थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया, एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर सरफेस का 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, सुनिए, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो देखिए पैरेलल टू वाई जेड प्लेन का मतलब क्या हुआ। ठीक, सबसे पहले ये चीज आपको, ये टाइप है क्योंकि इसके हर क्वेश्चन अपने आप में टाइप है, तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने एक क्यूब बनाया, देखो ये, ठीक है, एक मैंने क्यूब बना लिया, मान लिया ये मेरा एक्स हो, क्लियर हो रहा है। लेट सपोज जो हमारा ये पोर्शन हो वो क्या हो, एक्स हो, और एक मिनट में फिगर थोड़ा क्लियर बना देता हूं बुक से। हाँ जी, मैं थोड़ा मार्कर ढूंढ रहा था क्योंकि इसमें अलग अलग कलर अगर हम यूज करें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन अभी मेरे पास मार्कर अवेलेबल है नहीं, सिर्फ ब्लैक मार्कर ही है। ठीक है, चलो ऐसे ही करते हैं। तो ये मेरा मान लीजिए एक्स है, आपको दिख रहा होगा, आप अपने घर के उसमें से भी जा सकते हो। अगर आप अपने घर का कोना देखो, घर का कोना अपने देखो, ऊपर दीवारों में भी, मैं भी कैमरा उधर दिखा नहीं सकता हूँ। ठीक है, अगर आप अपने घरों के जहां भी आप बैठे हो कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर देखो, कोई भी कॉर्नर, ठीक, तो आप अगर मान लिया ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, तो ध्यान दो ये जो प्लेन है ये वाला, इसको थोड़ा सा मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूं, ऐसे कलर होता तो ज्यादा क्लियर होता, बट फिर भी ये जो पोर्शन है दिख रहा है, ये वाई जेड प्लेन है, क्लियर हो रहा है। और क्वेश्चन क्या है, और ये देखिए ये क्या है एक्स जेड, तो मैं सारा नहीं बना क्वेश्चन के तौर उसके चलता हूं। पैरेलल टू वाई जेड, ध्यान देना, पैरेलल टू वाई जेड, पैरेलल टू वाई जेड, क्या ये आ गया, पैरेलल टू वाई जेड का मतलब क्या ये वाला आ गया, अलोंग एक्स एक्सिस आ गया, दिख रहा है आपको सबको, पैरेलल टू वाई जेड, ये देखिए एक्स के अलोंग आ गया। इसका मतलब जो आपका एरिया है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। और आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो ई डॉट ए होता है, यानी कि मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और कॉस आपको पता होगा आई डॉट आई ही वन आएगा, क्लियर हो रहा है। अगर मैं आई डॉट जे करूं जीरो आ जाए, कहने का मतलब है 90 पे जीरो हो जाएगा, जीरो पे वन आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये फील्ड में ये एरिया किसके अलाउंग है, आई कैप के अलाउंग है। तो ये आई और ये आई, सिर्फ ये और ये लिया जाएगा, ये वाला कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं होगा। तो फ्लक्स को मैं सीधा लिख रहा हूं 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप मल्टीप्लाई बाय 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर। ध्यान दो आई जे जीरो हो गया, सिर्फ ये वाली वैल्यू आ गई 3/5 इंटू ई नॉट की वैल्यू देखो 2×10³ इंटू 0.2। यहां से अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, पहला सवाल है इसलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी मैं यहां तक करके छोड़ दूंगा।
ठीक है, तो 3 2 6 और एक अगर मैं 2 यहां से ले लूं, ये 100 हो जाएगा, ये 5 और आपके पास 6 2 12 12 2 24 240 न्यूटन फ्लक्स है, तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे बिल्कुल नया था, देखिए आई कैप हमेशा याद रखना, अगर डॉट प्रोडक्ट में है तो आई डॉट सिर्फ आई वाला कंपोनेंट ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे वाले कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, उनके जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली बार आप क्या करना कि मुझे सिर्फ वो वाले सवाल पूछ लेना जो डाउट वाले हैं, मैं वैसे तो मैं लगातार करवा रहा हूं बट जो डाउट वाले हैं बेसिकली वो पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रॉड ऑफ लेंथ एल, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज लेंथ। मान लीजिए एक चार्ज रॉड है एल का और ये चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, आपको एक हाइपोथेटिकल क्यूब मान के चलना है सच लेट जो उसका सेंटर हो वन एंड पर हो। ठीक है, कंसीडर अ क्यूब ऑफ एज एल विद सेंटर ऑफ क्यूब एट वन एंड, यानी कि अगर मैं क्यूब बनाऊंगा ठीक है इसके सेंटर पर रखते हुए एज टोटल एज एल दिखा रहा है, इसका मतलब अगर मैं एक हिस्सा देखूं तो कितना अंदर होगा एल बाई टू ही अंदर होगा, कितना अंदर होगा एल बाई टू। अगर मैं एल का बड़ा बनाता पूरे एल का क्यूब बनाता, इसमें पूछा क्या है तो इसमें पूछा है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इंटायर सर्फेस, फाइंड मिनिमम निकालना है। तो अगर मैं पूरे एल को इनक्लोज करके क्यूब बनाता तो फ्लक्स कितना होता बेसिकली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता। अब यहां पर चूंकि हम आधा ही रख रहे हैं, कहने का मतलब है ये देखिए ध्यान से, ये जो रॉड है देखा ये आधा अंदर है आधा बाहर ले रहे हैं मिनिमम के लिए। ठीक, तो ऐसे केस में पूरा का क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम हाफ ही का क्यूब इंक्लोज कर रहे हैं तो 5s हो जाएगा क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शो दैट देयर विल बी नो नेट चार्ज इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट। नेट चार्ज किसी रीजन में, नेट चार्ज हमें क्या शो करना है, जीरो करना है ऐसे रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी बताया था कि मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर है, और हमें क्या प्रूव करना है कि कोई अगर इसमें रीजन ले लें तो उसमें नेट चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। तो बड़ा सिंपल है, अगर मैं मान लिया एक रीजन ले लू, देखो सर मैं ऐसा रीजन ले सकता था, ऐसा ले लिया तो डायरेक्टली जीरो हो गया ना फ्लक्स के वाले कॉन्सेप्ट से, तो आप हमेशा अलॉन्ग लो ताकि फ्लक्स वाला मेथड भी चले। अब अगर नोटिस करो जितना एंटर कर रहा उतना ही एग्जिट कर रहा है, याद करो मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी यूके भी बेस कराया था कि अगर मैं फ्लक्स इधर का लू तो पॉजिटिव और इधर का लू तो नेगेटिव और दोनों का एड करूं तो जीरो आ जाएगा, सिंस फाई जीरो हो जाएगा। तो फाई क्या होता है, एक थिन शीट का अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो कितना होता है, क्यू बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और बाद में सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई। अब यहां पर सिंस चार्ज जीरो है तो ऑब्वियसली फ्लक्स विल बी जीरो, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। दूसरा मेथड आप क्या कह सकते हो, एज लाइन एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटरिंग इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीविंग दिस सरफेस, तो देयरफॉर फ्लक्स इज जीरो विच मींस दैट क्यू इंक्लोज्ड इज जीरो। ठीक है, यानी नेट चार्ज इंक्लोज्ड विल बी जीरो, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस, फाइंड द चार्ज कंटेंट इनसाइड द क्यूबिकल वॉल्यूम बाय सरफेस x = 0y। देखो ऐसे सवाल
मैं ऐसे सवालों का टाइप भी बता देता हूँ क्यूब वालों का। जैसे मान लीजिए मेरा क्यूब है, देखिए वैसे मैं अभी एक भेजूंगा आपके पास न्यूमेरिकल के लिए वीडियो, एक और भेजूंगा जिसमें एमसीक्यू की एनसीईआरटी में भी ये वाला क्वेश्चन है। इसलिए देखो ऐसे सवालों में बड़ा सिंपल याद रखना है, दो तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा फील्ड कांस्टेंट दे देगा, फील्ड क्या दे देगा कांस्टेंट, ऐसे दे देगा कि किसी रीजन में फील्ड है ई नॉट आई के, कोई क्यूब है ठीक है, फील्ड ई नॉट आई के का मतलब इस डायरेक्शन में, और फ्लक्स पूछ देगा। बहुत सिंपल है, अगर ये साइड ए ए ए है ये सारे ठीक है, तो देखो कितने रीजन जो एक्चुअल में फ्लक्स के लिए लेने होंगे, या तो ये वाला भाई जो सेम डायरेक्शन में, या तो ये वाला, इसका अगर एरिया वेक्टर देखो ऊपर है फील्ड इधर है इसका जीरो हो गया, इसका नीचे है फील्ड इधर है जीरो हो गया, सिमिलरली आगे वाले का फील्ड आगे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है ऐसा देखिए ऐसा जीरो हो गया, सिमिलरली पीछे वाले का सिर्फ फॉर्म वाला बच जाएगा, एरिया वन बच जाएगा एरिया टू बच जाएगा ठीक क्लियर है। अब एरिया वन का अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो पीछे की तरफ एरिया वेक्टर एस वन, और टू का देखो इधर, तो अगर मैं टोटल फ्लक्स देखूं तो टोटल फ्लक्स ई ए हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स फाइव वन और फाइव टू निकालना होगा। फाइव वन के लिए ई इंटू ए कॉस वन डिग्री, और फाइव टू के लिए ई इंटू ए कॉस जीरो डिग्री। कॉस वन एट्टी मतलब माइनस ई ए क्या ये, और कॉस जीरो मतलब ई, तो टोटल फ्लक्स विल बी फाइव वन प्लस फाइव टू विल बी इक्वल टू जीरो। ये कब होगा जब फील्ड क्या हो कांस्टेंट हो ठीक है, जब फील्ड कांस्टेंट हो तो टोटल उधर वाला और इधर वाले का समेशन करेंगे तो जीरो होगा, ये एक टाइप हो गया। दूसरा ये वाले सवाल में वेरिएबल दे देता है, थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूं थोड़ा सा, कई बार वेरिएबल दे देगा जैसे कि e नॉट x के टर्म में दे देगा। अब यहां पर रिजल्ट जीरो नहीं आएगा क्योंकि यहां पर वो बताते रखेगा कि ये a डिस्टेंस पर है, तो इस क्वेश्चन वैसे ही लगना है कि इसके लिए उधर और इसके लिए इधर, सिर्फ फर्क क्या पड़ जाएगा इस बार x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले सरफेस के लिए e नॉट a हो जाएगा i के, और दूसरे सरफेस के लिए e नॉट 2a हो जाएगा आई के, उसके बाद एज इट इज फ्लक्स निकालना है जैसे क्वेश्चन था। तो आई होप आप कर लोगे। एक मैंने एनसीईआरटी डिस्कशन अलग से भेजूंगा, उसमें और ध्यान से देख लेना, उसमें ऐसे दो क्वेश्चन सॉल्व हैं ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। A cube Q is placed at the center of Q, a charge Q is placed at the center of Q, find the flux through six surfaces of the cube. देखिए एक क्यूब है और इसके सेंटर पर चार्ज, देखो जब भी ये भी मैं टाइप बता दू, जब भी ऐसा सवाल आता है आपके पास ठीक, देखो क्या ये चार्ज को ये क्यूब ने फुल्ली इनक्लोज किया है, इसका मतलब क्या ये गॉसियन सरफेस है, और अगर गॉसियन सरफेस है तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं सोचना होता है, फ्लक्स सीधा लिख देना होता है क्यू बाई एप्सिलॉन, क्योंकि गॉस ने कहा था कि गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल है कोई भी इनक्लोज सरफेस हो तो फाइव क्यू बाई एप्सिलॉन, और तो टोटल क्यूब से कितना क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर मैं एक साइड से पूछता, कोई एक साइड से पूछता तो छह साइड होते हैं क्यूब में, छह साइड का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एक साइड का 1 बाई सिक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे सवाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में ही है, फिर वैसे ही टाइप है क्यूब वाला ही, आप इसे कर सकते हो। मैं बहुत क्विकली बता देता हूं, दिया हुआ है कि एक a बाई टू डिस्टेंस पर चार्ज q रखा है, कुछ मत करिए क्यूब बना लीजिए, सेंटर पे आ गया ना ये देखिए क्यूब बना लीजिए आप, बना लिए, ये यहां आ गया सेंटर पर आ गया। अब जब इसे क्यूब में इनक्लोज करा, पूछा क्या है एक साइड के लिए, टोटल क्यूब में इनक्लोज किया तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, एक साइड का पूछा है तभी हमने किया था 1 बाई सिक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेवेंथ, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां दे रहा है फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर
एक स्फेरिकल सरफेस है रेडियस आर का, ठीक है, और इसके 2R डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है क्यू, 2R डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है क्यू, और क्यू की वैल्यू दे रखी है 10^-7 कूलम, दोनों ही क्यू सेम है। आपको बताना है फ्लक्स, बताना है फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो सबसे पहले तो देखिए क्या ये क्यू अंदर है, इनक्लोज है, तो इसकी वजह से फ्लक्स होगा क्या? नहीं होगा। तो फ्लक्स ड्यू टू इनसाइड चार्ज, सॉरी यहां देखिए, सॉरी ये तो आपका इनक्लोज है, तो फ्लक्स इनक्लोज की वजह से ही होगा, क्योंकि याद करो गॉस लॉ कहता है कि E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। ये आउटसाइड है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से फ्लक्स होगा, और वो किसके बराबर होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड फ्लक्स। ओके, तो ये आपका फ्लक्स आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन, और क्यू की वैल्यू 10^-7 बाय 8.85 इंटू 10^-12 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछे याद रखना बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स जीरो होगा, हमेशा इन क्लोज चार्ज की वजह से ही फ्लक्स होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। चलो आज बहुत बड़ा वीडियो बन गया, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 8 क्वेश्चन है। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमिस्फीयर यूजिंग सिमेट्री, फाइंड फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज टू द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, उसके सरफेस पर चार्ज क्यू है, हमें ये बताना है कि इस पे फ्लक्स क्या होगा। अगेन बहुत सिंपल है, क्या इसको मैं एक और हेमिस्फीयर ऐसे लगा दूं तो ये पूरा स्फीयर हो जाएगा और ये सेंटर पे आ जाएगा, तो क्या मेरा फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या ये सिर्फ आधा पोर्शन है इसका, तो फाइव एस क्या हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए तो हमने आज फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व किए। एक और इसी पे मैं टाइप बता देता हूं, कई बार आपसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा बाहर रख रहा है क्यू, अभी एक इससे पहले वाले टाइप की तरह, तो फ्लक्स क्या होगा? बड़ा सिंपल है, जीरो। याद रखना बाहर की वजह से कभी भी फ्लक्स नहीं होगा, जो इनक्लोज है, क्योंकि इसको आप इनक्लोज नहीं कर पाओगे ना, किस बेस पे इनक्लोज करोगे, तो आप इसको इनक्लोज कर नहीं पाओगे, इसीलिए इसमें क्या है हमारा फ्लक्स जीरो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ी बड़ी वीडियो बन गई। चलिए थैंक यू, और नीचे कमेंट करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जो बच्चे ऐड नहीं हुए अभी ग्रुप में उनको भी भेजो और उनको कहो कि शेयर करें, और इसको न्यूमेरिकल कॉपी में ये पोर्शन कर लेना, और डेरिवेशन फेयर कॉपी में मैंने नोट्स भेज दिया। थैंक यू।